विवाहिता के साथ दबंगों ने किया दुष्कर्म, आरोपियों पर कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। 1 फरवरी 2023 को लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने गांव के ही दो लोगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को दिया लिखित शिकायती पत्र, जिसमें उसने गांव के ही दो लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 19 जनवरी 2023 को करीब 3 बजे जब विवाहिता दवा लेने के लिए भीरा पैदल गई थी तो वापस घर आते समय रास्ते में गांव के ही दो लोगों ने विवाहिता को रोक लिया और विवाहिता को घर छोड़ने की बात कही, जिस पर विवाहिता आरोपियों के वाहन पर बैठ गई, जहां रास्ते में विवाहिता के साथ उक्त आरोपियों ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद विवाहिता ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद आज वह लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। आप कप्तान ऑफिस जो आई हैं, किस लिए यहाँ पर आई, किस संबंध में आई हैं? सर, हमारे साथ रेप हुआ है। रेप हुआ आपका है? जी। किस तारीख को हुआ है? जी 19 तारीख। 19 जनवरी। जी। ये प्रार्थना पत्र जो आप हैं पकड़े हैं, ये 2-3 प्रार्थना पत्र हैं, ये कहाँ कहाँ के हैं? ये भीराई के हैं। भीरा थाने के? जी। सब वहीं दिए हैं? नहीं, एक दिया है जी, दूसरा यहाँ पे दिया है, दूसरा कप्तान ऑफिस। तो आज यहाँ जो आई हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ये पहली बार आई है, दूसरी बार आई, तीसरी बार? दूसरी बार आई। दूसरी बार आई। तो क्या घटना का मामला बताएं? जी, हम भीरा दवाई लेने जा रहे थे जी, और पीछे से चरण और दलजीत गाड़ी लेके आ गए। बोले कहाँ जा रही हो? हमने कहा भीरा जा रहे हैं। ये दो लोग थे या ज्यादा लोग थे? नहीं सर, दो लोग थे। मोटरसाइकिल थी या चौपहिया? कार थी सर। कार थी। ये आपके जानने वाले हैं? जी, गांव के ही लोग थे। गांव के लोग हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कायदे से जी। फिर क्या हुआ? कहने लगे भीरा जा रही, कहाँ जा रहे? हमने कहा भीरा जा रहे हैं। कहने लगे बैठ जाओ, हम भी भीरा जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे जी। हमने सोचा गांव के लोग हैं, बैठ जाते हैं जी। सर, हम बैठ गए। फिर आगे चल के दलजीत ने पता नहीं हमें क्या सुंघा दिया, हम बेहोश हो गए। फिर अनजान जगह ले जाकर दोनों लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया। जब हमें होश आया तो दलजीत ने हमारे सीने पर तमंचा लगा दिया। कहने लगे चुपचाप अपने कपड़े पहन लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे जी। और हमारे पास गंदे फोटो हैं आपके, वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे जी। तो होश आने पे आपने विरोध नहीं किया जी? होश आया जब आपको, तो आपने विरोध नहीं किया आपका? जी नहीं। क्यों? आपने मना ही नहीं किया, विरोध, शोर मोर नहीं बचाया जब आपको होश आया तब? सर, उन्होंने हमारे सीने पे तमंचा लगा दिया था जी। फिर आप घर और शिकायत करने चौकी थाना कहीं नहीं गई? जी, भीरा थाने में गए थे। घर पे गांव में प्रधान प्रधान से नहीं बताया जी? नहीं, उनके घर पे गए थे। तो किसके? दलजीत के? चरण के? दलजीत के घर पे गए थे तो गुरमेल सिंह ने, और उनकी पत्नी ने, और छोटा लड़का रोहित, और एक गिरवर ने हमें मारपीट के भगा दिया वहाँ से। अकेले गए थे या परिवार के और लोग भी थे आपके? पति के साथ में गए थे, पति पत्नी दो लोग थे जी। फिर क्या हुआ थाने में? थाने में हमें पूरा दिन बैठे रहे वहाँ पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, वहाँ से भी हमें भगा दिया गया जी। जी जी, एप्लीकेशन दिया वहाँ था जी। फिर यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ पे हम आए पहले चक्कर, फिर यहाँ से बात हुई कि थाने आ जाओ, रिपोर्ट दी जाएगी। फिर वहाँ पापा मम्मी के साथ में गए, वहाँ से फिर से हमें भगा दिया गया करके जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लखीमपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खीरी का है, जहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक नारा लगाया जाता है, महिला सुरक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण। यहाँ पर एक पीड़ित महिला खड़ी है जिनके साथ बलात्कार किया गया है, दो लोग मिलकर के बलात्कार किए हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इनका यह भी कहना है कि भारत जो इनका संबंधित थाना क्षेत्र भीरा वहाँ पर रह गए, और इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया है, ऐसा यहाँ थानेदार पर आरोप लगा रही हैं। इन्होंने एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर आई हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय लखीमपुर में, और इन्होंने अपनी न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ पर भी इन्होंने दूसरा प्रार्थना पत्र दिया है, देखते हैं क्या इनको न्याय मिलता है, इनका मुकदमा दर्ज होता है। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।